प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज सावन का सेकेंड यानी दूसरा सोमवार है और हमारा वो टैडी हमेशा बैठा ही रहता है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने रात को मेहंदी लगाई थी, अभी छुड़ाई हूँ। अभी किट्टू का स्कूल का टाइम हो गया है, ये पता नहीं चल रहा। देखो कितनी मेरे हस्बैंड कितना मुझसे प्यार करते हैं। और किट्टू को नहाना है, बेटी सो रही है और बेटा मेरा कह रहा है मम्मी आज लंच मत बनाओ, आज आपका व्रत है। ओहो बारिश हो रही लगता है। का व्यू फ्रेंड्स, अभी लाइटें जल रही हैं, 6:30 बजा भी नहीं है अभी। तो भी देखिए रात है, बारिश हुई है। आंटी देखिए वो उठी हुई है। हाँ, उसके उसके भी बच्चे स्कूल जा रहे होंगे इसलिए उठी है। मेरे स्कूल में सब पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बस अब ये नहाएगा, बाकी सब रेडी है, फिर मैं भी लगूंगी। मंदिर जाना है, पूजा करनी, घर के काम में लगूंगी। फिर यहाँ पे बेटे के लिए लंच बना रही हूँ, सूजी का हलवा जो कि बहुत जल्दी बन जाता है ऐसे। अब पहले तो मैगी वैगी भी दे देती थी, मैगी अब तो खा नहीं रहा मेरा बेटा, बहुत दिनों से नहीं खा रहा भाई। कई महीने से बोलता मैगी खाने, मैगी में कीटाणु होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, फलाना ढिकाना। बच्चे ने अगर टीवी में मोबाइल में कुछ देख लेते हैं ना तो अवॉइड कर देते हैं। तो उसका बॉर्नविटा मैंने रेडी कर दिया और इनको भी मैंने चाय दे दिया। बेटी सो रही है, ये उठ गया, उठने के बाद इनको चाय चाहिए तभी इनकी नींद जो है आलस जो है ख़त्म होता है। तो बेटा मेरा हो गया रेडी, नहला धुला किसे मैंने रेडी कर दिया। नहीं मैंने नहीं नहलाया, मेरे हस्बैंड ने नहलाया आज, क्योंकि वो बोले कि चलो तुम बिजी हो, तुम्हारा व्रत है, मंदिर भी जाना है। ऐसा नहीं कि मेरा व्रत है इसलिए, क्योंकि मंदिर जाना है, जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन देखो हलवा बनाया, बट वो पहले से ही कह रहा था मम्मी मुझे नहीं ले जाना, मेरी लंच मत बनाना, आज आपका व्रत है ना मम्मी, आज मत बनाना, मेरे मुझे को चिप्स दे देना। उसके चिप्स खाना था, वेफर खाना था, इसी वजह से इतना नखरा कर रहा था, इसलिए मैंने एप्पल भी दे दिया साथ में। कोई बात नहीं, लंच जो है बेटी ले जाएगी, वो हलवा बेटी ले जाएगी। जा रही है पहने लौटा के, कल लेके आए थे। और ये बैंगल्स मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, तो इसे मैं पहनने जा रही हूँ। गिफ्ट किया है मतलब लेके तो वही आते हैं, लेकिन हाँ हस्बैंड अगर वाइफ को गिफ्ट करे तो अच्छा होता है। तो ये मेरा बाजू थोड़ा अभी ढीला है, अभी पहली बार ही पहना है तो उसे टाइट करना है। तो यहाँ मंदिर के पास साफ़ सफाई कर रही है, इसे पोछा तो मैंने लगा ली, लेकिन फिर भी मंदिर के पास सफाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग से साफ़ सुथरे से कपड़े में अलग से रखे रहती हूँ। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन करके पोछ दे रही हूँ। फिर अभी मुझे पूजा के बर्तन जो है ये सब मुझे धोने हैं, साफ़ करने हैं, ये सारी चीज़ें कर लूँगी। उसके बाद पहले तो ऐसे घर में करना चाहिए पूजा, लेकिन जाऊँगी मंदिर, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। मंदिर से आने के बाद तो घर में मैं आराम से पूजा कर सकती हूँ, ऑफिस चले जाएंगे तब भी कर सकती हूँ। ये मेरा पूजा का सामान, 9:30 बज गया। बारिश हो रही फ्रेंड, छाता लेके जा रहे हैं खोल के। रेलिंग पकड़ जो बिना पड़ता है, बोले रेलिंग पकड़ी ना हो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप भी पास में आ जाइए, साथ में पूजा करेंगे, बोले आता हूँ। आराम से, भीड़ नहीं थी, भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि बारिश बहुत बारिश हो रही थी। अगर बारिश नहीं होती तो बहुत भीड़ रहता है यहाँ, तो लाइन लगाना पड़ जाता है कि 2-4 लोग जाके पूजा करते हो, निकलते फिर जाके 2-4 लोग पूजा करेंगे, ऐसे लाइन बाई वन करके 2-3 वन बाई वन नहीं 2-3 लोग ऐसे साथ में जाके पूजा करते हैं।
और आज तो बहुत शांति से, बहुत अच्छे से, बहुत ही कंफर्टेबल होकर मैं पूजा कर पाई। और सबसे बड़ी बात है कि अब दोनों बच्चों का स्कूल मॉर्निंग में, पीहू का तो मॉर्निंग में था ही, मेरी बेटी का, बेटे का मेरा होता था 12 बजे से, यानी 11:30 बजे पौने 12 में घर से निकलता था। तो मुझे बहुत दिक्कत होता था कि मंदिर जाती भी थी, अगर लेट हो जाए तो फिर मैं बेटे को कैसे मैं रेडी करूँगी, घर कैसे वापस आऊँगी, क्योंकि उसको छोड़ के जाते थे या कभी कभी लेके भी जाते थे, तो ये दिक्कत हो जाती थी। तो अब हो गया कि उसका मैंने स्कूल करा दिया चेंज, तो उसका स्कूल चेंज कराने से उसका मॉर्निंग का शिफ्ट हो गया, तो वो अच्छा है, दोनों के दोनों निकलते हैं। थोड़ा डिफरेंट है, 1 घंटे का डिफरेंट है और आवर्स का, लेकिन फिर भी ठीक है, आराम से पूजा कर ले रही हूँ। 12 बजे जिस टाइम पर स्कूल के लिए घर से निकलता था 12:45 बजे, उस टाइम 12:30 बजे में वो घर आ जाता है। तो यहाँ पर पूजा बहुत अच्छे से मैंने कर लिया, तो अब ये गए हैं करने, थोड़ा सा मैं इधर उधर का व्यू का मैंने व्यू ले लिया है। यहाँ पर भी सामने भी एक शिवलिंग है, और देखो अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, एक दो लोग पीछे से खड़े, तो ये भी देखो पूजा कर रहे हैं। और आराम से पूजा करके आराम से घर पे हम लोग पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत ही शांति से। पहले तो पंडित जी भी बहुत ज़्यादा बोलते थे, ये मंदिर के थोड़ा 4-5 फेरा लगा रहे थे, लेकिन लगाने का नहीं बना, इधर से सीढ़ी है आउटडोर बना दिया निकलने का, देखते हुए। तो इनको ऑफिस जाने के लिए हो रहा है लेट, इसलिए पहले इनको मैंने टीका लगा के और बस इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ, फिर मैं अपना आराम से पूजा करूँगी। बच्चे भी स्कूल में हैं, तो पूजा करके उसके बाद बेटी को लेने जाऊँगी, बेटे को लेने जाऊँगी। बेटी तो आ जाती है, उसके लिए वैन किया हुआ है, वो आती है। तो आराम से यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, और सिर में मेरे फ्रेंड्स इतना सिर दुख रहा था, मालूम नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार व्रत कर रही हूँ, आप लोग देखते ही होंगे मैं व्रत हमेशा करते ही रहती हूँ। तो लड्डू गोपाल को नहला दी, पता नहीं क्यों एकदम सुबह की उठती हूँ ना 5:30 से कंटिन्यू, और अभी अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:30 नहीं अभी 10 बज रहे हैं। तो होता है कभी कभी खाली पेट होने से, या फिर कुछ खाए पिए नहीं रहो तो भी सर दुखता है, तो उसी वजह से मेरा सिर इतना दुख रहा था कि सच बताऊँ मैं अच्छे से पूजा भी नहीं कर पा रही थी। मंदिर तक तो ठीक था, लौटने के बाद बहुत ज़्यादा दुखने लगा सिर मेरा, लेकिन फिर भी यहाँ पूजा कम्प्लीट करके घर का, और फिर मैं कुछ ना कुछ मैंने कहा कि अभी टाइम भी नहीं है, फिर चले जाना पड़ेगा बेटे को लाने के लिए, तो उस बीच और भी टाइम नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा मत समझिए क्या दिखावटी है, दिखावा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरा सिर में दर्द। और जहाँ मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा भी कुछ अगर खाऊँगी ना, तो सच में मुझे एनर्जी आ जाती है, एनर्जी कहते हैं, ऐसा भी वीकनेस नहीं रहा था, मेरे सिर में दर्द होता, लेकिन मेरे सिर का दर्द भी ठीक हो जाता है। पूजा तो मेरी हो गई फ्रेंड्स, लेकिन मेरा सिर इतना दुख रहा है ना, ये नहीं दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये इतनी दूर बहुत, मुझे लगा शायद खाली पेट से कि क्या, मैंने अभी पानी पिया थोड़ा, जस्ट अभी पूजा करके उठी, पानी पिया, मेरी देखो कि लाल हुआ, बहुत सर दुख रहा है, समय भी नहीं है अभी मुझे चाय बनाऊं कि बेटे को लेने जाऊं। चलो गर्मी इतनी लग रही थी फ्रेंड्स कि मैंने ना इसको मैंने फोल्ड कर लिया, बाल को लचर लगा लिया। और अब फ्रेंड्स अभी देखो सारी 11:35 और 12 बज जाऊंगी बेटे को लाने, सोचा था लेके आऊंगी तब खाऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सर दुख रहा है। तो
तो अभी मेरी चाय भी रेडी हो गई है, मेरे सिंगदाने और मखाने भी रेडी हो चुके हैं। अब आराम से भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बस 20 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं और 15 मिनट में मैं चाय पीऊँगी, मखाने खाऊँगी, उसके बाद बेटे के को लेने जाऊँगी। पहले तो मेरा मन हुआ कि पहले जाके ले आती हूँ फिर शांति से पीऊँगी, फिर मैंने कहा कि नहीं फिर बेटे को लेने जाऊँगी, फिर बेटी का आने का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर ऐसा ये क्या है चलता रहेगा। थोड़ा खा लेती तो देखती हूँ कि हाँ सर दर्द ठीक होता है कि नहीं, लेकिन सच में हाँ ठीक हो गया था। जैसे चाय पी, जैसे तो नहीं, चमत्कार तो नहीं कहूँगी, भोले बाबा का ही आशीर्वाद है। पीने के बाद और खाने के बाद थोड़ा बहुत सर मेरा सच में आराम हो गया था लाने का। सारी सारी मेरी दोनों बच्चे आ गए, ये मेहंदी लाल हो गई है, ये बाजू इतना बड़ा है ना ये दिख नहीं रहा है डिजाइन। बहुत प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड मुझसे। तो अभी ये उन लोगों ने खाना खा लिया, उनको खाना दिया, कपड़े डाल रखा है मैंने मशीन में। ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, बट अभी तो आराम है, ठीक है, क्योंकि चाय पिया और मैं खाना खाया, थोड़ा सा सिंगदाना भी खाया, तो शायद उस वजह से, पर अभी पहले से बेटर है। और अभी वो लोग दोनों टीवी देख रहे हैं, और अगर बारिश हुई तो फिर अपने बेटे को ट्यूशन नहीं ले जाऊँगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर ट्यूशन ले जाऊँगी, ठीक है। आज खुद ही मेरा ही मन नहीं उतना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए लोग हो गई है।